प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ वाटर वीक का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ इंडिया एक्सपो मार्ट का अवलोकन भी किया। साथ ही सीएम योगी ने 1600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लखनऊ में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी फील्ड पर निकले, वहां मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान 3 बीएलओ अनुपस्थित मिले। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुपस्थित तीनों बीएलओ को सस्पेंड करते हुए लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। खबर औरैया से है, जहां औरैया के कोतवाली क्षेत्र के देवकली चौराहे पर जिला प्रशासन ने यातायात जागरूकता माह का कार्यक्रम शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अधिकारी और SP समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। हमारे यातायात की टीम, ट्रैफिक पुलिस, हमारे ARTO के लोग, NCC के बच्चे, स्काउट्स के बच्चे और आम नागरिक सभी लोगों के साथ ये आज का दिवस की शुरुआत की गई। और सबसे अपील की गई कि वे इतनी जागरूकता लोगों में फैलाएं कि ओवर स्पीडिंग न करें, अपने लेफ्ट में चलें, चौराहों पे थोड़ी स्पीड कम करके दाएं बाएं देख के तभी मोड़ें, एम्बल स्ट्रीट पे जो है अपनी स्पीड धीमी कर लें, टू व्हीलर से हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। बदायूं में तिहरे हत्याकांड के बाद सनसनी मच गई। आपको बता दें कि बरेली जोन के ADG राजकुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ADG ने थाना क्षेत्र के गांव सत्रा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना खुलासा करने के लिए निर्देश दिए। बदायूं के थाना उसायत अंतर्गत सत्रा गाँव में आज सायंकालीन सूचना मिली कि एक मकान में उसके निवासी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मदर तीनों लोग अलग अलग कमरों में इनकी डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और हम लोग पहुंच करके देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने पुलिस कार्यालय से यातायात माह का शुभारंभ किया। यातायात जागरूकता के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और सम्मानित पत्रकार बंधुओं को यातायात नियमों से संबंधित जानकारियां दी। इसी क्रम में रैली और ई-रिक्शा वाहन के चालकों को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित यातायात सुनिश्चित कराने हेतु लोगों को हेलमेट पहनने, सेफ्टी बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित किया। यातायात माह के रूप में जो है वो मनाया जाता है, इसमें बृहद रूप से प्रत्येक स्कूल कॉलेजेस में जाके, चौराहे पे जाके जो ट्रैफिक नियम है, बेसिक जो चीज़ें होती है ट्रैफिक अच्छा बनाने के लिए, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। स्कूली स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस बारे में बताया जाएगा कि हेलमेट पहनना है और सीट बेल्ट के बारे में और सिग्नल्स के बारे में, ओवरटेक ना करने के बारे में, कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ट्रैफिक की, और अच्छा हम लोग बेहतर तरीके से इसको कैसे कर सकें इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। कि पूरा महीने में विविध तरीके का कार्यक्रम जो है वो यातायात माह से माह में अरेंज किए गए हैं। वाराणसी में बनकट गांव में 3 लोग घर पर शराब पी रहे थे। तीनों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक साथी ने पिस्टल निकाल कर ताबड़तोड़ युवक पर फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। गोली की आवाज सुनकर लोग दौड़े, तब तक सभी लोग फरार हो गए। आनन फानन में लोगों ने युवक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास पहुंचा। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई। आपको बता दें कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहीं दिवाली के बाद लगातार खतरनाक स्थिति पर प्रदूषण पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं गले में खराश, नाक बहना, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र के लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने भी इस बढ़ते प्रदूषण को लोगों की सेहत के लिए खतरनाक बताया है। सर, जो पॉल्यूशन हो रहा है ये अक्सर इन दिनों इस मौसम में अक्सर ही होता है दिवाली के बाद। इसका कारण कुछ आतिशबाजियों की वजह से भी हो सकता है, कुछ जो पराली वगैरह का होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। अब ये तो हमारी सरकार को देखना चाहिए कि इस ओर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अगर आतिशबाजी अगर यदि हो रही है, आतिशबाजी पर बैन है, उसके बाद भी आतिशबाजी जल रही है, तो ये सरकार की कमी है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दीपावली के बाद में अक्सर ये इस तरह की दिक्कत आती है कि तो जो हम पटाखे छोड़ते हैं उनका धुआं, दूसरा जो किसान पराली जलाते हैं उसका धुआं, जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ से धूल। तो ये मौसम जो खासकर दीपावली के बाद का होता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सांस लेने में दिक्कत, आँखों की प्रॉब्लम, इस तरह की दिक्कत ये जो बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें बढ़ जाती है। तो ध्यान ये रखना चाहिए कि भाई जैसे घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, कम से कम बाहर निकले, और जो थोड़ा खाने पीने में सावधानी रखें। इसमें पहुँचे हैं सर, आँखों में धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा आँखों में लग रही है, और इतना प्रदूषण फैल रहा है कि बहुत ज़्यादा, जिसको खांसी में भी दिक्कत आ रही है और आँखों में भी जलन पैदा हो रही है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला था, इसलिए मैं डॉक्टर के यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ दवाई के लिए। सर कम से कम 3-4 दिन से तो ज़्यादा ही पोल्यूशन हो रहा है। एक मिनट, दिवाली आई है जी। हाँ सर, दिवाली पे भी काफ़ी पोल्यूशन रहा है और दिवाली के बाद से कंटिन्यू ही चल रहा है। खांसी है, आंखों में जलन है, धूल मिट्टी सब, बहुत प्रदूषण फैला हुआ है। तो बड़ी परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आँखों में एकदम जलन होती है, महसूस होता है। हाँ, कई बार तो ऐसा जितना पानी निकलता है आँखों से, बड़े परेशान हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत आती है और सांस फूलने लगता है, तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। जब वॉक पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, अब जाना बंद कर रखा है? सुबह मैं 5 बजे जाता हूँ वॉक पे, और 2-3 दिन से मैं नहीं जा रहा इसी वजह से। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी के आढ़ती ने विरोध प्रदर्शन जताया है। वहीं मंडी सेक्रेटरी और प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि सब्जी मंडी के अंदर पिछले 1 साल से सीवरेज के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं हो पाया, जिसको लेकर उच्च अधिकारी से शिकायत भी की गई थी। उसके बाद भी अभी तक वहाँ पर सीवर और पीने पानी की सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। सर, ये समस्याएं आ रही हैं जी, ये हमारी सीवरेज लाइन है और ना ही हम पे पानी की पीने की व्यवस्था है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई सफाई से संबंधित कोई काम इस मंडी के अंदर हो रहा है, जिसके बारे में जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको समय समय के अनुसार एप्लीकेशन दे दे के उनको जागरूक करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब यही देख लो, फिलहाल हाल तो 24 नवंबर 2021 की खुदी हुई है, जिसमें आज तक भी सीवरेज के कनेक्शन नहीं हुए हैं, ना ही इनमें लाइन डाली गई है, सिर्फ ना ही इनके वो बनाए गए मैन होल, पाइप डाल दिए हैं लेकिन मैन होल बने नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी का अंबार बना हुआ है। कि कितनी बार भी इनकी शिकायत तो मैं कर चुका हूँ, ऊपर तक कर चुका हूँ, लेकिन इनका हमें कोई भी वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल नाजायज हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। पूरी मंडी में जो भी सुविधाएँ सबके लिए हैं, 13 आड़तियों के लिए अलग से तो मैं सुविधाएँ ख़त्म नहीं कर सकता। जो पूरी मंडी काम कर रही है, पूरी मंडी को सुविधाएँ मिल रही है, उनको शिकायत नहीं, तो 13 आदमियों को अलग से क्या शिकायत है। रही बात सफाई की, तो सफाई का तो ये है जी कि रूटीन में रोज़ होती है सफाई और रोज़ कूड़ा भी बाहर निकलता है, लेकिन एक बार ही सफाई होगी, पूरा दिन तक नहीं, हम लगातार झाड़ू चलवा सकते हैं वहाँ पे, एक बार सफाई करवा के पूरी मंडी को साफ करवा देते हैं और कूड़ा निकाल देते हैं। लेकिन बार बार लगातार ये सब्जी की छटाई होती है, सड़क पे कूड़ा फेंकते रहते, तो अगर ये आदमी खुद अपना डस्टबिन रख के और अपनी सफाई का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो 24 घंटे की सफाई का संभव नहीं होता। कानपुर में चंदारी रेलवे स्टेशन के पास 12वीं के छात्र का शव पड़ा मिला। आपको बता दें कि छात्र डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप श्यामनगर में पढ़ता था और कल दोपहर छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंचा था, जिसके बाद परिजनों ने काफी देर तक ढूंढने की कोशिश की। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। चकेरी पर एक गुमशुदगी शाम को लिखी गई थी, जिसमें एक स्कूली छात्र के गुमशुदा होने की बात बताई गई थी। पुलिस उस पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज करके और
तलाश जारी किया था। तलाश के दौरान ही आज सुबह 7 बजे जानकारी हुई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में मिली हुई है। हम लोगों ने फॉरेंसिक की टीम बुलाई थी, सभी साक्ष्य जो जरूरी थे उन्हें इकट्ठा किया गया है। हम CCTV फुटेज की सहायता लेंगे और बाकी जो हमारे एविडेंस कलेक्शन के साधन हैं उनको करेंगे और बहुत जल्दी इस पूरी घटना का वर्कआउट। अलीगढ़ में पुलिस महानिदेशक ने यातायात माह का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कंट्रोल रूम तिराहा पर यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद सड़क सुरक्षा शपथ भी दिलाई गई। इस रैली में यातायात पुलिस के साथ गगन पब्लिक स्कूल समेत लगभग 325 छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। कासगंज में डागत गांव में पशु व्यापारी के साथ नामजदों ने मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि थाना सहावर क्षेत्र के ग्राम मयासुर निवासी ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह पशुओं की खरीद करने के लिए गए थे। वापस घर आते समय सड़क किनारे हो रहे दंगल को देखने के लिए वह रुक गए। इसी दौरान वहां मौजूद दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट शुरू कर दी और जेब में रखे 65,000 रुपए निकाल लिए, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रसूल अहमद निवासी मियासुर थाना सावर द्वारा एक तहरीर थाना कुनगड़ी में दी गई है, जिसमें ग्राम नागर में जो कुश्ती के हार जीत को लेकर इनमें आपस में वाद विवाद हुआ, मामला संदिग्ध है। तथ्यों के आधार पर जांच कराकर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कराया जाने की। गोरखपुर में यातायात माह का ADG अखिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन से रवाना हुई ट्रैफिक पुलिस टीम ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों से लोगों को जागरूक किया। वहीं स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों की सीख दी जाएगी। देखिये, नवम्बर माह में परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से यातायात माह मनाती रही है। आज भी हम लोग उसी यातायात माह का औपचारिक शुरुआत किया है। यातायात एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हाल के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें काफ़ी विशेष प्रयास करने के लिए कहा है। उस क्रम में गोरखपुर पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो SSP साहब हैं, SP ट्रैफिक हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम और इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमें ज़रूरी है कि उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। लखनऊ में सहादतगंज के अंबरगंज चौकी क्षेत्र में चोरों पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। वजीरबाग गढ़ैया में बंद घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। आपको बता दें कि शादी में गए युवक के घर में लगभग 4 लाख की नकदी और जेवरात चोरों ने पार कर दिए। आपको बता दें कि चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। संभल में बनिया ठेर थाना क्षेत्र के चंदौसी बहजोई बाईपास में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। गन्ना ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने के प्रयास में पिकअप वाहन पलट गया। इस वाहन में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ पे लगभग 15 से 20 लोग आए थे टोटल मिला के, जिनमें से हमने 5 को गंभीर रूप से थोड़ा घायल थे, जिनको रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों को थोड़ा इतनी गंभीर चोटें नहीं थी और कुल मिला के 10 से 15 लोग रहेंगे। कितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है चंदौसी अस्पताल में? अब एडमिशन में 15 से ऊपर का ही चल रहा है। 15-16 का अभी तक हम कर चुके हैं। अभी 1-2 और हैं। भंडारा कहाँ करके आ रहे थे? जगह तो किसी से एक्सीडेंट हुआ? आपको कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? तो कितने लोगों को चोट लगी है? कहाँ जा रहे थे? कौन से गांव जा रहे थे? तो किसी से एक्सीडेंट हुआ आपका? कितने लोग गन्ना भर रहे थे? कितने लोगों को चोट लगी है? हमारी सबकी लगी, हमारे पापा के, हमारे भैया के। 25 लोग? 25 लोगों को चोट लगी है।
25 लोगों की लगी है, तो आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है आपके? गोंडा में भारतीय करेंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार भगत सिंह की तस्वीर लगाने की मांग हुई। आपको बता दें कि जिले के थाना उमरी बेगमगंज के सोनू ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं मशहूर सोनू ठाकुर सीएम योगी के भक्त के नाम से जाने जाते हैं। सोनू ठाकुर ने भारतीय करेंसी पर छपे नरेंद्र मोदी और भगत सिंह का फॉर्मेट भेजकर उसे छापने की मांग की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम।